अच्छा कावेरी बाय समर। समर वो मैं ओफो कावेरी जब याद नहीं है तो रोका क्यों। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब याद आ जाए तो फोन करके बता देना। ओके बाय। मैडम ये कपड़ा ले जाओ। नहीं मैं इसे घर में ही धो लूंगी, तुम बाकी के कपड़े ले जाओ। क्या हुआ, तुमने शर्ट धोने नहीं दी? सिर्फ इसलिए तुमने शर्ट धुलने नहीं दी? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ निशान है, किसी और का दिया हुआ निशान है। देखो अगर समर को लेके तुम्हारे दिल में कोई भी डाउट है ना तो उसे निकाल देना। मेरा भाई ऐसा वैसा नहीं है जो बाहर जाकर अफेयर करे। हाँ ऐसे तो बहुत सारे पति होते हैं जो बीवी के होने के बावजूद बाहर अफेयर चलाते हैं, घर लेट आते हैं और सवाल पूछने पर काम के ओवरलोड का बहाना भी बना लेते हैं। समर ऐसा नहीं है, मेरा भाई है ना, अच्छे से जानती हूँ उसे। मेरा भाई क्या आज तक कभी घर लेट आया है वैसे? नहीं ना। वकील हूँ, आज तक दूसरों के केस नहीं हारी हूँ तो फिर अपनी जिंदगी का केस कैसे हार सकती हूँ? आज मैंने कावेरी के दिल में शक की चिंगारी डाल दी। बहुत जल्द ये चिंगारी आग बनके समर और कावेरी के रिश्ते को जला देगी। एक छोटी सी शुरुआत और एक बहुत बड़ा तूफान। हेलो समर। हाँ दीदी बोलिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ कहिए ना। वो मैं कावेरी को एक साड़ी गिफ्ट करना चाहती थी, अब मुझे उसके पसंद नापसंद के बारे में तो पता है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हें घर पे ये बात बताने वाली थी लेकिन तुम इतने जल्दी निकल गए कि मैं बता नहीं पाई। कोई बात नहीं दीदी, हम शाम को मिलते हैं, दोनों मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। तुम एक काम करो ना, 4 बजे मुझे चुनरी मार्केट में मिलो ना। लेकिन हाँ कावेरी को कुछ मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा, 4 बजे मिलते हैं मार्केट में। बाय। ओके बाय।